ओके मुसाफिर फैमिली, तो ऑटो एक्सपो की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। कोई ना कोई नई गाड़ी इस बार मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँगा। आप लोगों को पहले डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, मैंने जो है बेसिकली आप लोगों को गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर का एक ओवरव्यू दिया है। इसी के साथ में इंजन चेंजेस में जो है उनमें मैंने कुछ भी बात नहीं करी है, क्योंकि इंजन चेंजेस की जो सीसीज है, जो गाड़ियां पुरानी थी बस अपग्रेड होके आई है, तो उनमें जो पुराने सीसीज थे वो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ गाड़ियों में अपग्रेड हुए, कुछ में नहीं अपग्रेड हुए, मोस्ट ऑफ द कार्स में अपग्रेड नहीं हुए। कुछ फीचर जो मैंने आप लोगों को बताया, जैसे कि टायर साइजेस हो सकते हैं या फिर कोई लुक हो सकता है, तो मैंने उसमें आप लोगों को बहुत क्लियरली बता दिया कि इंडिया के अकॉर्डिंग जो टायर साइजेस है वो ऑफकोर्स ही बात है डिफरेंट आएंगे, और जो नॉर्मल है वो तो आप लोगों को मैं एक आइडिया देख के पता चली जाता, लेकिन स्टिल ये डिस्क्लेमर डालना जरूरी है। वीडियो एंजॉय करो, और हर ऑटो एक्सपो की वीडियो जो मैं डाल रहा हूं उससे पहले ये आएगा, तो प्लीज इसको एंजॉय करना। बाकी वीडियो एंजॉय करो, बताना वीडियो कैसी लगी। सो वीडियो देखो। मुसाफिर के इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। ओके यूट्यूब, सो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ 2020 की Hyundai Creta किस लुक के साथ आती है, किस ओवरलुक के चेंज के साथ आप लोगों को प्रोवाइड होती है। सो वी आर जस्ट गोइंग इनसाइड, और आप लोगों को जो है मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। अगेन जो फ्रंट लुक आप लोग देख रहे हो गाड़ी का, दैट लुक्स वेरी इमेंसिंग। अगेन बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि 2020 की Creta में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चेंज होके देखने को मिलने वाली है। अगेन अगर आप लोग बात करते हो डिज़ाइन के बारे में, अगेन इट्स अ टोटली इंस्पायर्ड डिज़ायर फ्रॉम Harrier। जैसे Harrier ने स्टार्ट किया था कि आप लोगों की जो फ्रंट ग्रिल होती है, अगेन वो फुल एक लुक आप लोगों को देनी चाहिए। अगेन DRL प्लेसमेंट, अगर आप लोग बात करते हो Hyundai Venue की तरफ में, तो Hyundai Venue का कहीं ना कहीं आप लोगों को एक छोटा सा जेस्चर या फिर कह सकते हो एक छोटा सा आउटलुक जो है वो इस गाड़ी के अंदर इजीली देखने को मिलने वाला है। जहां तक आप बात करते हो फॉग लाइट्स के बारे में, अगेन नॉर्मल हेलोजन फॉग लाइट जो है वो आप लोगों को इस गाड़ी में प्रोवाइड होने वाली है। अगेन Hyundai इज कमिंग अप विद मेनी इलेक्ट्रिक कार्स, जिसमें एक बहुत बड़ा ओवरव्यू था कि आप लोगों को कोना जो है वो इसमें अवेलेबल होगी। अगेन कोना का मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, पीपल वर रियली लाइकिंग इट, कि 470 किलोमीटर का उसका एक बेस्ट जो था वो आप लोगों को देखने को मिला। दैट वॉज वेरी इंपेंसिव, और देखने में जहां पर अच्छा लगता है वहीं पर गाड़ी का जो आप लोगों का फ्रंट ग्रिल है उसको कहीं ना कहीं चेंज करके एक न्यू Creta वाला लुक जो है वो गाड़ी में आप लोगों को प्रोवाइड होता है। अगेन सेम दी Hyundai लोगो जो कि आप लोगों को गाड़ी के अंदर प्रोवाइड यहां पर होने वाला है। इट्स अ फुल जेट ब्लैक कार जो कि आप लोग देख रहे हो। अगेन इट्स अ ड्यूअल टोन कलर जो कि आप लोगों को सिल्वर एंड ब्लैक के मिक्सचर में यहां पर मिलते हैं। द डोर्स जो आप लोगों के वो फुल आप लोगों को क्रोम हैंडल्स के साथ यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। जो आप लोगों के मिरर्स है दीज आर फुली ब्लैक। एंड अगेन अगर आप लोग कहते हो कि क्या ये न्यू Creta है कि नहीं है, तो अगेन यहाँ से आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रह जाओ कि नहीं यार यहाँ से कोई चेंज नहीं है। जो हमारी क्लैडिंग है दैट ऑल्सो रिमेन सेम, साइड की जो क्लैडिंग है दैट ऑल्सो रिमेन सेम, लेकिन कहीं ना कहीं इफ़ यू सी कि कहाँ पर स्टैंड बैक गाड़ी करती है, सो वी आर टेकिंग टू द रियर साइड जो कि आप लोग देखते हो गाड़ी की टेल लाइट्स की तरफ। अगेन जैसे अपकमिंग है 2020 में, वी वॉन्ट समथिंग बैंग कि Hyundai जो है वो कुछ डिफरेंट चीज़ अपने उसमें ट्राई करके देखे। अगेन दे आर कमिंग अप विद अ वेरी अमेजिंग लुकिंग टेल लाइट्स, अमेजिंग लुकिंग टेल लाइट्स के साथ साथ में इट्स अ वेरी आई कैची। अगेन जैसे कह सकते हैं स्ट्रोब लाइट्स या फिर आप लोगों की जो ब्रेक लाइट्स है वो बहुत इन्होंने एक यूनिक तरीके की बनाई। अगेन इमरजेंसी जितनी भी आप लोग ब्रेकिंग करते हो, लोग सोचते हैं कि भाई स्पॉइलर लाइट्स, मगर लाइट्स प्लेस की गई है तो कहीं ना कहीं वो इजिली विजिबल होती है, लेकिन आज के टाइम पे कहीं ना कहीं लोग जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन बीच में बना रहता है, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगेन आफ्टर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होगी जो कि आप लोगों को Hyundai Creta में चेंज होती हुई आती हुई दिखेगी। बैजिंग जो है Creta की वो आप लोगों को ईजिली यहाँ पर विजिबल होने वाली है। जहाँ तक आप बात करते हो रियर डिफ्यूज़र के बारे में या फिर रियर आप लोगों के कह सकते हो आप लोग की इसको फॉग लैम्प्स के बारे में, या फिर आप कह सकते हो कि क्या इसका अपग्रेडेशन आएगा, तो आफ्टर मार्केट में इसका अपग्रेडेशन जरूर आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप लोग रियर डिफ्यूज़र देखते हो तो आप लोगों को ऑलमोस्ट जो कार है वो बिल्कुल सेम देखने में इसमें मिलने वाली है। एंड अगेन जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग था, जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कि कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ जो है वो हमेशा Hyundai ट्राई करती रहती है, और कहीं ना कहीं ट्राई करने के साथ साथ में जो ये आप लोगों को लुक मिलता है। एंड अगेन दिस ब्लैक कलर, मे बी दिस ब्लैक कलर कम्स विद दी शीन कलर, जैसा आप लोगों ने इससे पहले Toyota Fortuner में देखा था। Toyota Fortuner का एक ब्लू शीन आया करता था, या फिर Kia Seltos में आपने देखा था, तो कलर कॉम्बिनेशन वाइज आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर वो चीज़ देखने को जरूर मिलेगी। अगेन अबाउट दी इंटीरियर्स, अगेन जितना मैं आप लोगों को इंटीरियर का एक ओवरव्यू दे पाऊंगा उतना आप लोग देख सकते हो, एक रफ आइडिया जो ओवरलुक है। एंड मोस्ट प्रोबब्ली वी आर एक्सपेक्टिंग, जितना मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं, तो इसमें आप लोगों को फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलने वाला है। अगेन आप लोगों को इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाला आपका हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा। जहाँ तक आप MID की बात में बात करते हो, MID इज लिटिल बिट ब्रॉड जो कि पहले था। स्टेयरिंग जो है वो मेन चीज़ है जो कि आप लोगों को इसमें एक डिफरेंट लेवल का, यानी कि फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड होने वाला है। जहाँ तक आप लोग बात करते हो
रियर उससे। तो यस, ये कहीं ना कहीं गाड़ी आप लोगों को जो है ऑडी या फिर मर्सिडीज़ की कहीं ना कहीं याद दिलाएगी। अगेन लाइट्स के उससे नहीं कहूँगा, लेकिन अगेन इसकी जो डिज़ाइनिंग है दैट इज़ वेरी फेथफुल। एंड अगेन Hyundai Creta में अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो 2020 में कुछ अपग्रेडेशन आएगा, तो श्योरली आप लोगों को ये सब अपग्रेडेशन ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ तक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, अगेन बहुत सारे लोग लाइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं कि DRLs और उसका जो मिक्सर होगा। सो अगेन दीज जो आप लोगों की यहाँ पर आप लोगों को लाइट्स मिलती है LED लाइट्स, दीज आर वेरी इफेक्टिव। रोड प्रेजेंस जो है वो बहुत परफेक्ट है। अगेन DRL कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एंड अगेन जितनी प्लेसमेंट है अगर बम्पर की उससे भी आप प्लेसमेंट देखते हो फॉर द हाईवे ड्राइव इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। लेकिन स्टिल अगर हम लोग अभी तक टेस्ट ड्राइव नहीं किया है तो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू वाइज जो है वो चीज़ें इसमें इजीली समझा सकता हूँ। जहाँ तक आप लोग बात करते हो फ्रंट क्रोमिंग के बारे में, अगेन क्रोम का जो मिक्सर है फ्रंट में, रियर में और साइड में आप लोगों को बहुत पार्शल जो क्रोम का पार्ट हो सकता है वो इसमें डाला गया। एक बार मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर आप लोग देखोगे फ्रंट ग्रिल जो है इस बारी Hyundai इंस्पायर्ड नहीं रहने वाली है, इट इज़ सम आउट चेंज है। और अगर आप यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन देखते हो तो काइंड ऑफ आप लोगों को ऑफ वाइट या फिर ग्रे वाला लुक ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन मिलता है। आर्मरेस्ट लुक्स वेरी गुड। अगेन यहाँ से अगर आप लोग देखोगे इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाला जो आप लोगों का ऑप्शन है या फिर आप हैंड ब्रेक वाला जो ऑप्शन देखते हो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टिल इट विल बी अ परफेक्ट 4-सीटर कार। दिस कार कुड नॉट बी अ 5-सीटर अनलेस एंड इसमें आपको छोटा बच्चा बैठाते हो तो दिस कुड बी अ 5-सीटर कार। लेकिन स्टिल अगर आप लोग ड्यूअल टोन में देखते हो तो इट्स अ परफेक्ट कार टू बाय। एंड अगेन स्टिल हाई होप्स कि जब ये गाड़ी रोड पर निकलती है सो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो एंड दिस कार कम्स अप विद अ गुड बैक।